More or less, both the terms are same. Interconnectedness or integration. Meaning, bringing two markets together, bringing two regions together. Aise kar ke. So, integration is a process of unifying markets and enabling convergence of risk-adjusted returns across the markets. This has been possible because of increase in capital mobility and technology. A shift in emphasis from price-based instruments to quantitative controls. प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं हम लोग के टेरिव एंड नॉन टेरिव क्वान्टिटेटिव जैसे कि कोटा एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑफेंशियल रेगुलेश सो इंटरकनेक्टेडनेस से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही दी है कि मीनिंग क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस सो दैट इज करेक्ट यूनिफाइंग द मार्किट्स जितने भी डिफरेंट मार्केट है कैपिटल मार्केट देन वी हैव क्रेडिट मार्केट मनी मार्केट और फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो ब्रिंगिंग दैम टूगेदर ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यूनिफाइंग मार्केट इन ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न राइट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट

Price -based instruments में हुआ है बाकी सारे स्टेटमेंट तो सही की की है and of prudential regulations, मतलब जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो की यूज की जा रही है राइट सो वन टू very good this statement these statements are right ठीक है सबसे बड़ा example कौन सा है हम लोगों का interconnectedness of markets के बीच में uh, we have various regional इकोनॉमिक कोऑपरेशन है हमारे पास हमारे पास ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं ठीक है तो ये सारे हम लोग के इंटीग्रेटेड के या इंटरकनेक्टेडनेस के एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है एक किसी इंस्ट्रूमेंट में लेट्स uh, से अगर हम लोग फिक्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो उसके प्राइस चेंज होने की वजह से किसी और में क्या चेंज होगा है ना तो ये होता है इंटरकनेक्टेडनेस चलिए फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट यूनिफॉर्म प्रूव दिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल मार्किट्स आर नॉट यूनिफॉर्म प्रूफ द स्टेटमेंट ये किससे रिलेटेड है ये हेट्रोजेनिटी से रिलेटेड है हेट्रोजेनिटी हेट्रो Hetero मतलब दो चीजों में दो लोगों में दो किसी भी एंटिटीज के बीच में डिफरेंसेस होमोजेनिटी मतलब सेम होता है ठीक है सो फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट यूनिफॉर्म प्रूव दिस स्टेटमेंट Some market segments are national, whereas others are international. They differ in terms of depth and depth and liquidity. Distinction can be made between saving, investment, credit derivative. They are differentiated in terms of risk profile, and market participants in different markets could be different. Okay, so the statement related is is related. Geographical boundaries are related. B. 2, 4 and 5. अच्छा क्यों कुछ मार्केट जाएगा ना तो first statement तो सही सही है है हो जाएगा D, yes, all are correct. सभी सही हैं है ना जोग्राफी से रिलेटेड कुछ में हम लोग डोमेस्टिक में ट्रेड करते हैं कुछ में हम लोग बाहर की कंट्रीज के साथ भी करते हैं क्रॉस बॉर्डर भी करते हैं तो वो किसमें आ जाता है फॉरेक्स में आ जाता है इंटरनेशनल फिर डेप्थ और लिक्विडिटी में जैसे कि जो हम लोग का मनी मार्केट है वो ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू डिफरेंट मार्केट्स जो हम लोग के कैपिटल मार्केट हो जाएगा है ना तो कैपिटल मार्केट्स कम लिक्विड होते हैं फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स के नेचर में भी डिफरेंस होता है कुछ ऐसे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जिनको सेव करने के लिए यूज किया जाता है कुछ को बस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ को प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है कुछ में इंटरेस्ट अर्न करने के लिए रेगुलर इनकम के लिए यूज़ किया जाता है तो वो भी डिफरेंस होता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क प्रोफाइल सम आर हायर रिस्क जिसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं कुछ में कम रिस्क होते हैं डिफॉल्ट रिस्क हो गया क्रेडिट रिस्क हो गया तो अलग अलग होता है जैसे कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में कम रिस्क होगा पर जो हम लोगों के ज़्यादा वॉलिटाइल हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होगा फॉरेक्स में ज़्यादा रिस्क होगा एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बी डिफरेंट जैसे कि जो कुछ मार्केट्स में बैंक्स परफॉर्म करते हैं कुछ में नहीं करते हैं मोल्टीगेज इंस्टीट्यूशन हो गए कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इस तरीके से ऑल ऑफ़ करेक्ट। मतलब कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो हेट्रोजेनस है राइट दे आर हेट्रोजेनस चलिए नेक्स्ट देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन यस विच ऑफ दिन इन डिस्क्राइबिंग डिफरेंट लेवल्स लेवल पे कुछ कम मार्केट इंटीग्रेशन होगा उससे ज्यादा मार्केट इंटीग्रेशन होगा सो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इंटेल्स हॉरिजोंटल लिंकेजेस ऑफ वेरियस सेगमेंट्स डीपर डायमेंशन ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन इंटेल्स रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल टेक्नोलॉजी मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस बॉर्डर ग्रेविटी मॉडल इट इज यूज इन ट्रेड इन द ग्लोबल इंटीग्रेशन और रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बिटवीन गिवन रीजन एंड मेजर फाइनेंशियल सेंटर। एंडलिटी मॉडल क्या होता है ये मॉडल बताता है कि जो नेशंस uh, हैं, वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने साइज uh, के अकॉर्डिंग जो दो सिमिलर नेशंस हैं, वो लोग ट्रेड करेंगे इस तरीके से ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब होता तो है ना पुल करते हैं सो दीज नेशन बिकॉज ऑफ द

जैसे अगर हम डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करें हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस मतलब जैसे कि इंडिया के किसी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो होगा एक पर्टिकुलर जैसे कि वी रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ये सेट कर देता है बाकी जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं ठीक है तो ये किससे हो गया डोमेस्टिक हो गया फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन अक्रॉस बॉर्डर की बात करता है रिमूविंग बैरियर्स कैपिटल कंट्रोल्स ये सारे बैरियर्स हटाना फ्री मूवमेंट फ्री ट्रेड सी यस करेक्ट ग्रेविटी मॉडल जो हम लोग का यूज किया जा रहा है वो किसमें यूज किया जाता है रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर रीजन region, दो रीजन के बीच में बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस वो लोग बायोलेट्रल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बायोलेट्रल ट्रेड में ठीक है तो वो ग्रेविटी मॉडल में होता है ग्लोबल तो मतलब पूरे उससे हो गया इंडिया बहुत सारे नेशंस के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन जब इंडिया किसी के साथ अग्रीमेंट साइन करेगा जैसे कि जापान के साथ तो किस वजह से करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है या फिर दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है ठीक है तो वो किस में आता है वो रीजनल में आता है राइट सो so, ग्रेविटी मॉडल में आएगा रीजनल में आएगा बाकी सारे स्टेटमेंट्स दीज आर करेक्ट नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन क्लियरिंग यूनियन को ए सी यू बोलते हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया ईरान मालदीव म्यांमार नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं एजियन क्लियर यूनियन बी टू एंड थ्री टू एंड थ्री इज राइट जो एजियन क्लियरिंग यूनियन है ना ये मेंबर नेशन के बीच में होता है मतलब अमंग मेंबर नेशन तो ये जो मेंबर नेशन है इनके ये एक दूसरे के साथ जब भी ट्रेड करे तो उनका पेमेंट फैसिलिटी करने के लिए रेस्ट ऑफ दर्ल्ड के लिए नहीं होता है अब कब इस्टिश किया गया था कब स्टैब्लिश किया गया था 1974 में किया गया था क्यों किया गया था ताकि जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्केल इकोनॉमीज स्केल इकोनॉमीज कब होती है जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है या लार्ज स्केल से ट्रेड होता है तो हम लोग को कुछ उसमें क्या होता है कंसेशन मिलता है है ना तो वो हुआ कि अगर हम आपसे लार्ज स्केल इंपोर्ट करने वाले हैं तो आप हमको कुछ पेमेंट में कंसेशन दे दोगे ठीक है तो ये रीजनल है जो मेंबर नेशन है उनके बीच में पेमेंट सेटलमेंट के लिए इंट्रा रीजनल ट्रांसक्शन राइट रेस्ट ऑफ दर्ल्ड के लिए नहीं एक दूसरे के साथ ठीक है एंड ये yes, इसको एस्केप uh, के रिकमेंडेशन पे इनको बनाया गया था इनिशिएटिव राइट चलिए टू एंड थ्री नेक्स्ट स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टिवनेस ऑफ मनी मार्केट अब हम लोग डिफरेंट मार्केट्स की बात करेंगे मनी मार्केट की बात करेंगे कैपिटल मार्केट की बात करेंगे ठीक है तो मनी मार्केट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इन इंडिया मनी मार्केट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लेग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन द मनी मार्केट इज नॉट कम्पलीटली इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स इट इज डिवेन बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स

आरबीआई जैसे अगर सेट कर रहा है इसको तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे जो रेट्स होंगे वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे राइट right, तो ये जो डब्ल्यू है ये आरबीआई सेट कर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे जो रेट्स हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स उनके रेट्स को इंटरेस्ट रेट को किया जाएगा तो पॉलिसी रेट चेंजेस ये इम्पैक्ट भी करते हैं एंड ऑल द वे अराउंड इसकी ही अराउंड इवॉल्व भी करता है तो कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है मनी मार्केट से रिलेटेड देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही हो ही जाएगा जो मनी मार्केट है फर्स्ट लेग uh, मतलब कि इसको यूज करता है डी वन टू एंड फोर चलिए देखते हैं इसको यूज करता है आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को करने के लिए मतलब कि आरबीआई अपने सी या फिर एस को एडजस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बाकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इम्पैक्ट होंगे तो मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में इसको यूज किया जाता है मार्केट रेट्स को देखने में आरबीआई इसको यूज करता है दूसरा स्टेटमेंट द मार्केट इज नॉट कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स अब ये वाला जो है ना

देखा जाता है रेट सेट किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर ठीक है तो ये सारे दॉलिसी रेट टेंस टू वाइडन अराउंड स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्यों क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है इस टाइम पे क्या होता है जब बैंक्स की बैलेंस शीट को एडजस्ट किया जाता है बैंक्स की बैलेंस शीट को एडजस्ट किया जाता है ना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में तो उस टाइम पे ज्यादा लिक्विडिटी की डिमांड हो जाती है तो इसीलिए ये जो वाइडन मतलब कि डब्ल्यू के वैसे तो आसपास रेट रहना चाहिए बट इस टाइम पे क्या होता है रेट इससे अलग हो जाता है ज्यादा हाई या ज्यादा लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लिक्विडिटी सो ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट आर वन एंड थ्री ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन आता है आरबीआई रेगुलेट करता है इसीलिए डोमेस्टिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और जब फाइनेंशियल एंड होता है उस टाइम पे ये ज्यादा दूर हो जाता है हम लोग का एवरेज रेट जो आरबीआई ने बताया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट मार्केट से रिलेटेड है द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ क्रेडिट मार्केट शोज There's a fair amount of negative correlation between corporate bank bonds and the government bonds. The close interconnectedness is also seen by the policy rates and WSCR. While corporates borrow from the market through bonds, they also borrow over-the-counter from banks. Bonds or OTC he available. Hota hai credit market mein. statements are credit markets related. Sahi honge? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजी है ये क्रेडिट मार्केट मतलब कि जो हम लोग का बैंक सी वन एंड टू करेक्ट बताना है करेक्ट बताना है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या नेगेटिव कोरिलेशन होता है नहीं इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव को रिलेशन जो क्रेडिट मार्केट होता है ना इसमें इंटरकनेक्टेडनेस काफी ज्यादा है जो हम लोग का बैंकिंग सिस्टम है उसमें इंटरकनेक्टेडनेस काफी ज्यादा है अब गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों होगा इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों होगा क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट सिनारियों को मतलब कि हम देखते हैं कि अच्छा अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट ज्यादा हो रहा है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे है ना उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो इधर वाले बॉन्ड्स हैं जो बैंक्स हैं कॉर्पोरेट बोरिंग अगर कर रहे हैं तो वो लोग भी क्या करेंगे वो जो करेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको बढ़ा देंगे ठीक है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है दूसरा द क्लोज इंटरकनेक्टेडनेस इज ऑल्सो सीन बिटवीन पॉलिसी रेट्स एंड डब्ल्यू ए सी आर अब जो क्रेडिट मार्केट हम लोग का चल रहा होता है वो डब्ल्यू ए सी आर पे नहीं होता है डब्ल्यू ए एल आर पे होता है

पॉलिसी रेट्स एंड डब्ल्यू एल आर के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस देखा जाता है ठीक है और कॉर्पोरेट बोरो कर सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू भी ओवर द काउंटर बैंक्स के थ्रू भी राइट सो ओनली थ्री ओनली थ्री नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कैपिटल मार्केट इज इनकरेक्ट अब इनकरेक्ट बताना है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट द कैपिटल और इक्विटी मूव इन टैंडम विद द मनी एंड बॉन्ड मार्केट द इक्विटी मार्केट है ग्लोब इन टैंडम दैट इज इन द सेम डायरेक्शन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्या कैपिटल मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव करता है हम लोग के बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट से या फिर नेगेटिवली मूव करता है क्या वो नहीं मिला चलिए देखते हैं। हम लोग का जो बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट होता है ये ये साथ में मूव मूव करता करता है मतलब करता है मतलब इन लेकिन हम लोग का जो कैपिटल मार्केट होता है ये मूव करता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है मतलब कि जो बॉन्ड यील्ड होता है अगर बॉन्ड होगा वो इंक्रीज होगा उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे वहीं अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहे हैं राइट right? तो फिर बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएंगे स्टॉक मार्केट्स क्या हो जाएंगे तो ऑपोजिट में चलता है राइट ऑपोजिट में चलता है तो ये वाला स्टेटमेंट एक तो इनकरेक्ट हो गया दूसरा इक्विटी मार्केट्स नॉर्मली मूव नेगेटिवली विद द बॉन्ड यील्ड ठीक है ये हम लोग का ये वाला सही है तो हम लोग को इनकरेक्ट मार्क करना है तो हम लोग टू को छोड़ देंगे दूसरा द इंटरकनेक्टेडनेस टेंस टू मूव स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द्लोब इन टैंडम अगर हम लोग डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में बात करते हैं तो फिर जो स्टॉक मार्केट है अक्रॉस द्लोब वो सेम डे चलते हैं सो so ये वाला स्टेटमेंट भी जो हो गया वो सही हो गया तो so इनकरेक्ट कौन सा बचा हमारे पास वन एंड ओनली वन राइट ओनली वन ओनली वन इज इनकरेक्ट बाकी दोनों स्टेटमेंट हम लोग के सही हैं सो ओनली वन विल बी द राइट आंसर कैपिटल मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट के साथ ठीक है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स के साथ भी इंटरकनेक्टेडनेस होता है पर वो साथ में चलता है डोमेस्टिकली वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ठीक है तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी परफॉर्म्स नॉट ओनली द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ फॉरेक्स डीरिंग रूम एंड ट्रेजरी यूनिट बट ऑल्सो मेनी अदर फंक्शन अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या होता है मतलब ठीक है हम लोग ने देख लिया कि मनी मार्केट फॉरेक्स मार्केट ये सब भी इंटरकनेक्टेड होते हैं वहीं पे इंटरग्रेटेड ट्रेजरी क्या होता है जो हम लोग की बैलेंस शीट को इंटीग्रेट uh, करने का काम करती है डोमेस्टिक लेवल पे ग्लोबल लेवल पे तो बैंक्स क्या कर सकते हैं वो लोग बैंक्स को बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें वो अपना एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट देख सकते हैं क्योंकि अब बैलेंस शीट केवल डोमेस्टिक नहीं है आप ग्लोबल भी जो भी काम कर रहे हो उसको भी साथ में दिखा रहे हो सो so, उसके काफी सारे फंक्शन होते हैं कौन से फंक्शन है जो कि सही मैं यहाँ पे रिजर्व मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड आर्बिट्रेज कौन से फंक्शन है जो कि परफॉर्म करते हैं देखिए रिजर्व मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है मतलब कि जैसे कि एस एल आर या सी आर आर जो मैनेज करना होता है उससे रिलेटेड इसमें आता है लिक्विडिटी एंड फंड्स मैनेजमेंट में क्या आता है हमारे असेट लाइबिलिटी ट्रांजेक्शन जो हमने अभी बात की थी असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर भी डी यस ऑल ऑफ सारे फशंस है जो कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी परफॉर्म करेगा ठीक है तो डोमेस्टिक ट्रेजरी क्या होता है डोमेस्टिक ट्रेजरी वो इंडिपेंडेंट होते हैं फॉरक्स डीलिंग से मतलब बैंक क्या है वो फॉरक्स डीलिंग भी कर रहा है ना बट उसका बैलेंस शीट अलग बनेगा लेकिन अब जब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी हो रहा है तो वो साथ में करेंगे तो फिर ये कब हुआ है लिबरलाइजेशन की वजह से तो फिर ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं तो बैंक अपना पोर्टफोलियो डिफर कर सकते हैं आर्बिट्रेज में हेल्प करता है आर्बिट्रेज क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स तो ये सारी फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है सो ऑल आर करेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन कैन बी अंटेजियन इफेक्ट अब विच ऑफ दर करेक्ट ये किसका बात हो रही है कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है

ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है क्या ये डोमेस्टिक पे भी होता है क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं या फिर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं मतलब क्राइसिस के साथ साथ भी हो सकते है, और दिया हुआ है। तो क्या होता है स्प्रेड होता है तो हमको भी पता है होना, एक रीजन में या फिर एक कंट्री में कुछ हो रहा है उसका असर बाकी सारी कंट्रीज पे पड़ रहा है उसको कहते हैं कंटेजन जैसे कि जो हम लोग का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया मोर्टिन लेमैन सब प्राइम मोर्टिगेज आया लेमैन ब्रदर्स वाला तो उसका इफेक्ट बाकी सारे नेशंस को देखने को मिला या फिर जो अभी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी सारे ट्रेड नेशंस के खराब हो रहे हैं बताइए कौन से स्टेटमेंट्स होंगे जो कि सही होंगे ए वन एंड टू ओनली देखिए वन सही है जरूरी नहीं केवल इंटरनेशनल लेवल पे हो डोमेस्टिक पे भी होगा ज्यादातर हम ग्लोबली की ही बात करते हैं पर डोमेस्टिक में भी होते हैं मतलब जो ज्योग्राफिकल रीजन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में तो वो भी होता है ओनली इंक्लूड द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ये स्टेटमेंट सही नहीं है इकोनॉमिक बूम्स भी होते हैं जैसे किसी एक नेशन में अगर कुछ पॉजिटिव हुआ एकदम से इकोनॉमिक बूम हुआ इकोनॉमिक बूम होने की वजह से वो क्या करेगा अपने ट्रेड को इंक्रीज करेगा उसकी वजह से क्या होगा उसके जो प्राइसेस होंगे वो लो हो जाएंगे तो वो तो हम लोग को फायदा होगा ना हम लोग ज्यादा इम्पोर्ट कर पाएंगे एक बस एग्जाम्पल है तो इकोनॉमिक बूम्स का फायदा बाकी सब जगहों पर भी होता है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा वो भी बाकी नेशन में जाएगा और टेपर टैंटम्स ये था क्वालिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जो कि यूएस फेडरल रिजर्व वहां के सेंट्रल बैंक ने यूज किया था जिसमें उन्होंने बॉन्ड्स का परचेज करना कम कर दिया था तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स हैं ठीक है ये वाले सेकंड को छोड़ के वन थ्री एंड फोर जो स्टेटमेंट है ये सही हुए राइट ठीक है सो so, कौन सा सही हो गया हम लोग का वन थ्री एंड फोर जरूरी नहीं कि केवल नेगेटिव हो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बोला जाता है पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो स्प्रेड होते हैं इसी को क्या कहते हैं डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट भी इसको बोलते हैं राइट चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस How did merchant banking evolve in India? Ye history se related hai merchant banking. Ki. So, how did it evolve in India? Greenlace Bank was the first to formally start merchant banking in India in 1967. State Bank of India started merchant banking in 1972. Among DFIs, Development Financial Institutions, ICICI started in 1973.

जब इसके पहले की कोई एक्ट आया था या फिर कुछ और रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले ग्रीनलेज बैंक था ठीक है तो फर्स्ट जो बैंक था ग्रीनलेज बैंक उसने स्टार्ट किया था अपना मर्चेंट बैंकिंग डिविजन ठीक है इन द ईयर 1967 उसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया था ग्रीनलेस बैंक फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी फॉरेन बैंक से जिन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया था जैसे कि सिटी बैंक भी आया था उसमें उसके बाद कुछ लॉज आए थे मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन आया था जिसमें अब क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी या फिर कमर्शियल बैंक्स इंडिया के उन्होंने भी स्टार्ट किया था ठीक है उन्होंने भी स्टार्ट किया था तो फिर जब कमर्शियल बैंक्स की बात आई तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था तब 1972 में ये किसके साथ आया था हम लोग का उसका एक मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन उसने स्टार्ट किया था राइट right. उसके बाद और भी कमर्शियल बैंक से जिन्होंने स्टार्ट किया स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इन सब ने पंजाब नेशनल बैंक ने सब ने एटीज के टाइम पे अर्ली एटीज के टाइम पे फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया जब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है तो सबसे पहले आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया था 1973 में उसके बाद आई एफ ये सब लोग आए थे अब जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे उन्हें उसमें लिखा है उन्होंने कि इन सब ने स्टार्ट किया था थ्रू सब्सिडरी कंपनीज उन्होंने सब्सिडरी कंपनीज स्टार्ट किए थे लेकिन उन्होंने सब्सिडरी नहीं उन्होंने डिविजन की बात की थी उन्होंने खुद का मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन स्टार्ट किया था राइट right? देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी हुआ है तो फिर गलत हो जाएगा. One, three, बस ये सही है फिर, ने बाद में की थी, ने खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह स्टैब्लिश किया था फर्म्स पार्टनरशिप्स के साथ राइट right? लेकिन पहले जब कमर्शियल बैंक डी ने स्टार्ट किया था तो किससे स्टार्ट किया उन्होंने खुद के डिविजन स्टार्ट करके सो वन टू एंड थ्री तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है ये मैंने केवल फर्स्ट फर्स्ट जिन्होंने अपने सेक्टर में स्टार्ट किया उसका लिखा है बाकी और भी हैं बट उतना ईयर्स याद रखना जरूरी नहीं है चलिए वन टू एंड थ्री इसका आंसर होगा वन टू एंड थ्री यहाँ पे क्या आएगा उनके खुद के डिवीजन उन्होंने सब्सिडरी कंपनी ने इसे किए थे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डिविजन्स इन लोगों ने स्टार्ट किया था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक अब ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है

कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा डिफरेंस है जो कि सही नहीं है कौन सा डिफरेंस मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में जो कि दिया हुआ है ये सही नहीं है बताइए यस वेरी गुड ऑपोजिट है मर्चेंट बैंक मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कमर्शियल बैंक किससे रिलेटेड है वो असेट से रिलेटेड है ठीक है सेबी आरबीआई आर बी आई ये डिफरेंट सही है इक्विटी इक्विटी रिलेटेड सही है कमर्शियल बैंक असिट्स से रिलेटेड है अब मर्चेंट बैंक की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग हो गया अमेलगमेशन टेक ओवर्स ये सारे कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है वो फाइनेंसर्स की तरह करते हैं फाइनेंसिंग बिजनेस की तरह करते हैं एंड फोर्थ मर्चेंट बैंकर्स फी बेस्ड बिजनेस करते हैं और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं फंडिंग बिजनेस तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा राइट right? सी मर्चेंट बैंक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है विच ऑफ दाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड बाई मर्चेंट बैंक अब मर्चेंट बैंक को किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड करने तो उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है तो कौन सा सर्टिफिकेट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम से बी फॉर कैटेगरी वन टू थ्री फोर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस बैंकर टू द इशूज असाइनमेंट डिबेंचर इशूज कौन सा है जो की गलत है आपे? क्या मर्चेंट बैंकिंग कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है बैंकर टू द इशू के लिए चाहिए होता है अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं फॉर दीरियड्स एक्सीडिंग ट्व मंथ उसके लिए चाहिए होता है या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए चाहिए होता है कौन सा है जो कि सही नहीं है जो भी मर्चेंट बैंकिंग में मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं पब्लिक राइट्स प्राइवेट ये सारी चीजें अंडर राइटिंग कंसल्टेंसी इन सब के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होता है बी नहीं बैंकर टू द इशू असाइनमेंट के लिए तो चाहिए होता है देखिए ये ना बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे दी हुई है ऑल डिबेंचर एक्चुअली चाहिए सारे ही होते हैं कैटेगरी के लिए भी चाहिए होता है ये मर्चेंट बैंकर कैटेगरी के अंदर आता है सर्टिफिकेशन दूसरा बैंकर टू द इशू ये दूसरा होता है थर्ड क्या होता है डिबेंचर इशूज होता है या डिबेंचर इशू क्या डिबेंचर ट्रस्टी होता है हाँ डिबेंचर ट्रस्टी होता है और फोर्थ क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फोर्थ है हम लोग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेकिन यहाँ पे जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वो ट्वेल्व मंथ्स का नहीं होता है वो एटीन मंथ्स का होता है अगर एटीन मंथ से ज्यादा का आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तब आपको रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट चाहिए होता है राइट right? इसके अलावा मर्चेंट बैंक डायरेक्टली ट्रस्टी नहीं बन सकता पर एक ट्रस्टी क्या कर सकता है ट्रस्ट है वो मर्चेंट बैंक का सब्सिडी बन सकता है

करेक्ट सीबी रेगुलेशन अभी किससे रिलेटेड है अब देखिए इसके अंदर ना सीबी रेगुलेशन में पहले तो कैटेगरीज दी हुई हैं पहले तो हम लोग को कैटेगरीज दी गई हैं जो फोर कैटेगरीज हैं वन टू थ्री फोर ये किसके अकॉर्डिंग है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि मर्चेंट बैंक्स को अलाउड होंगे कैटेगरी वन मर्चेंट बैंक क्या एक्टिविटी कर सकता है टू क्या एक्टिविटी कर सकता है ऐसे

डी वन टू एंड थ्री रिवाइज दिसगरीज दी हुई है ना कि मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन सा अलाउड है तो जो कैटेगरी वन मर्चेंट बैंक होते हैं उनको सारी एक्टिविटीज अलाउड होती है मतलब वो लोग इश्यू मैनेजमेंट भी कर सकते हैं उसके अलावा कंसल्टेंट मैनेजर अंडर राइटर सारे कर सकते हैं जो कैटेगरी टू मर्चेंट बैंक होते हैं इसमें कंसल्टेंट को मैनेजर अंडर राइटर पोर्टफोलियो मैनेजर दी है ना इसके अलावा ये लोग एडवाइजर भी एक्ट कर सकते हैं ये लोग और एक्टिविटीज कम हो जाती है यहाँ पे वो केवल अंडर राइटर एडवाइजर और कंसल्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है वो को मैनेजर की तरह एक्ट नहीं कर सकता वो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह एक्ट नहीं कर सकता इशू नहीं कर सकता और कैटेगरी फोर जो होता है फिर उसमें सबसे कम बचता है वो केवल एडवाइजर या कंसल्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है ठीक है बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है फॉर कैटेगरी मर्चेंट बैंक इनको चाहिए होता है और सेवि ऑथराइजेशन के लिए काफी सारी चीजें मांगते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका कैपिटल एडिक्वेसी क्या है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पास रिकॉर्ड ये सारी चीजें सो टू एंड थ्री ये जो कैटेगरीज है ये इंपॉर्टेंट है इसको सोच के चलिए कि इससे क्वेश्चन आएगा राइट right? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कैटेगरी वन में सारी एक्टिविटीज अलाउड है कैटेगरी टू में इशू के अलावा बाकी एक्टिविटीज अलाउड है कैटेगरी में फिर और एक्टिविटीज कम हो गई केवल तीन ही अलाउड होती हैं और कैटेगरी फोर में केवल एडवाइजर या कंसल्टेंट होता है चारों के ही रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं बाय फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किससे सेबी से नेक्स्ट से

फाइनल अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट्स कौन से हैं जो कि सही हैं प्री इशू और पोस्ट इशू इशू मतलब जब कोई भी कंपनी है वो इशू कर रही है शेयर इशू कर रही है तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं कुछ होते हैं जो इशू से पहले किए जाते हैं जो भी डेट या इक्विटी ऑफरिंग से पहले अगर किए जाते हैं कुछ हैं जो उसके बाद किए जाते हैं तो कौन से हैं जो कि सही हैं ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट टू ओके द करेक्ट आंसर इज सी बोथ वन एंड टू प्री इशू फंक्शन वो सारे होते हैं जो कि असिस्ट कर रहे हैं so इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको ऑफर करना है कितने स्टॉक से जिनको ऑफर करना है प्राइसिंग करने का काम किस तरीके से प्लेसमेंट करना है मतलब कि प्राइवेट प्लेसमेंट करना है अंडर राइटिंग सर्विसेस ये सारी चीजें so पहले उसके पहले ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं ये लोग राइट right? पोस्ट इश्यू क्या होता है वो सारी एक्टिविटीज फाइनल अलॉटमेंट किया जाता है ठीक है अगर रिफंड करना है तो रिफंड करना है सब्सक्रिप्शन अमाउंट का कैलकुलेट करना है कि कितना रिफंड मिलना है एंड सैटेटरी रिक्वायरमेंट तो दोनों ही सही प्री इशू फंक्शन एंड पोस्ट इशू फंक्शन बोथ वन एंड टू आर करेक्ट नेक्स्ट वॉट इज द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डिबेंचर ट्रस्ट

डिंशियर ट्रस्ट क्यों सेटअप किए जाते हैं जो बैंकर्स टू द इशू तो यहाँ पे तो दिया ही हुआ है ना बैंकर्स टू द इशू फंक्शन आ गया ये बैंकर टू द इशू या फिर इसको क्या कहते हैं कलेक्टिंग बैंक भी कहते हैं कलेक्टिंग बैंकर तो जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए मार्केट में आगे उनको हैंडल करने के लिए इफेक्टिव एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द बैंकर्स इशू तो ये तो बैंकर्स टू द इशू में आ गया दूसरा असाइनमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड वॉर इंटरेस्ट वॉरेंट ये किसके अंदर आता है ये मोबालाइजिंग uh, पेमेंट के अंदर आता है ये जो भी पेमेंट्स है उनको मोबालाइज करने के मोबालाइजिंग पेमेंट थर्ड टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स लार्ज नंबर ऑफ डिचर होल्डर्स होंगे तभी वो कंपनीज को हेल्प कर पाएंगे कि मतलब किस तरीके से uh, उसको क्रिएट करना है को कि लार्ज नंबर होल्डर्स कर सकें सिंगल एंटिटी हो या फिर उससे ज्यादा एंटिटी हो ठीक है तो ये वाला स्टेटमेंट सही है तो वो डिबेंचर ट्रस्ट क्रिएट करता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ डिचर होल्डर्स कैन कम एंड दे कैन एंड कॉर्पोरेट काउंसलिंग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोजेक्ट सर्विसेज

मर्चेंट बैंकिंग के लिए सेबी रेगुलेशन है इसमें से कौन सी है जो कि सही है एवरी मर्चेंट बैंक शुड मेंटेन कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इयरली अनऑडिटेड रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टू सेबी इनिशियल ऑथराइजेशन फी एनुअल फी एंड रिन्यूअल फी शैल बी कलेक्टेड बाई सेबी मर्चेंट बैंक शुड नॉट एक्ट एज सच फॉर एन एसोसिएट सीएबी ने रेगुलेशन दिए कौन सी सही क्या क्या चीजें हैं जो कि मर्चेंट बैंक्स को फॉलो करनी है बताइए कौन सा आंसर सही होगा ए ए एब्सोल्युटली इज करेक्ट पे ये नहीं होता है हाफ रिपोर्ट्स होती है जो कि सबमिट करनी होती है बाकी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये सारी चीजें उनको करनी है अब वो किसी भी एसोसिएट मतलब कि एक तो ये वाली चीज होती है वो किसी भी एसोसिएट के लिए एक्ट नहीं कर सकते हैं है ना वो किसी लीड जैसे एक और चीज में जो कोई लीड मर्चेंट बैंकर है वो किसी और मर्चेंट बैंकर के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या फिर जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है तो इंसाइडर ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं होती कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के पास नहीं है उस इंफॉर्मेशन को वो यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर है जो कि उनको सिलेक्ट करना होगा वो मॉनिटर करेगा कंप्लायंस से रिलेटेड ऑथराइजेशन फी एनुअल फी ये सब कलेक्ट किए जाते हैं एंड मर्चेंट बैंक शुड नॉट एक्ट एज सच फॉर एन एसोसिएट सो वन थ्री एंड फोर ये हाफ इली अनऑडिटेड रिपोर्ट्स होती है जो कि सेबी को सबमिट करनी होती है ठीक है तो ये सारी चीज है अब जब कर रहे हैं मार्केट में तो उनके को क्या code of conduct, क्या जिनको follow है जिनको फॉलो करना है शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स शुड रेंडर बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू क्लाइंट्स Should inform clients of any penal action that are taken against it by SEBI. Should inform the board about any legal proceedings initiated against it. Very easy question. एक्चुअली ये सारे ही सही होंगे ना मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेडी मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है किससे रिलेटेड लेटर ऑफ ऑफर या फिर प्रोस्पेक्टर्स उनको देना है बेस्ट एडवाइस देंगे क्लाइंट को तभी उन पर ट्रस्ट किया जाएगा कोई भी पिनल एक्शन अगर सीबी ने लिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी होती है तो उनको पता होना चाहिए क्या पोजिशन है राइट right? जो भी सेबी के रूल्स है किसके अंदर सेबी रेगुलेशन रूल्स ऑफ 2003 उसको फॉलो करना ही करना है एट ऑल टाइम्स अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय या एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है वो उन रेगुलेशन के अगेंस्ट आ रहा है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा वो मर्चेंट बैंक ही होगा राइट तो फिर ये सारी चीजें है जो कि फॉलो उनको करनी होती है सो दीज आर द की कोड ऑफ कंडक्ट ऑल ऑफ इज दाइट

एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अब इसमें से नैशनलाइजेशन तो आप बताई सकते हो कि नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हुआ था बताइए कौन सा आंसर सही होगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये सबसे पहले थी तो वो हुई थी कब एटीन एटीन में इन दर एटीन एटीन तब पहली बार लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में स्टार्ट हुआ था फिर वो बंद हो गई थी उसके और भी बहुत सारी uh, आई थी जिन्होंने इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था फिर बात हो रही है easy, इसी जब ये नेशनलाइजेशन हुआ था इसी टाइम पे एल को इनकॉर्पोरेट किया गया था ठीक है तो नेशनलाइजेशन हुआ तो उसने बहुत सारी इंडियन कंपनीज को जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स थे उनको कंसोलिडेट किया राइट right? तो ये क्या हो गया सी ए हो गया आई आर डी ए अब जी आई सी भी हम बता ही सकते जी आई सी क्या हम लोग का सबसे जी आई सी जनरल इंश्योरेंस नाइनटीन फिफ्टी सेवन देखते हैं नेक्स्ट आई दिया हुआ है हम लोग को जो हम लोग का आई आर उसको सेटअप पहले कर दिया गया था मतलब कि जो मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट में आया था पहले रिकमेंडेशन आई रिकमेंडेशन आईआरडीए को स्टैब्लिश करना चाहिए मल्होत्रा कमेटी में आया था कब आया था नाइनटीन में लेकिन उसको सेटअप किया गया था इन दस टू तो फिर ये हो गया डी फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं जीआईसी की जनरल इंश्योरेंस की तो वैसे तो जो हम लोग का जी है जनरल इंश्योरेंस वो पहले ही आ गया था मतलब कि 1957 में आ गया था पर उसको प्रॉपरली जब इस्टेब्लिश करने की या फिर उसकी सब्सिडीज को एक सेकेंड नाइनटीन ये वाला हो जाएगा इन द ईयर टू थाउजेंड हाँ तो ये यहाँ पे नाइनटीन फिफ्टी सेवन पे होना चाहिए था खैर ये बी आंसर सही हो जाएगा ये बी आंसर सही हो जाएगा बाकी सारे यहाँ पे जो बी दिए हुए हैं वो वाला सही हो जाएगा आईआरडी ने टू थाउजेंड में स्टार्ट करना शुरू कर दिया था मतलब स्टार्ट कर दिया था अपना काम और टू थाउजेंड में जीआईसी के सब्सिडरीज को भी वो कर दिया गया था साथ मिला दिया गया था तो मर्ज कर दिया गया था बट ये नाइनटीन सेवेंटी वन क्यों है? वो किसी और का होगा चलिए कोई बात नहीं फिलहाल ये सही है बाकी सारे जो डेट्स हैं वो सारे आप एंड दैट आर करेक्ट राइट ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स इन दर टू थाउजेंड एंड फाइव गवर्नमेंट परमिटेड एफ डी आई टू द्वेंटी सिक्स परसेंट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है रुकी सही है पहले जब बाकी सारे सेक्टर्स की तरह ही यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड नहीं थे इंश्योरेंस बिजनेस में फिर उनको ओपन किया गया था फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया था सो द इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाज फर्स्ट ओपन टू द प्राइवेट प्लेयर्स एंड एफडीआई इन द ईयर टू थाउजेंड नहीं टू में इसको ओपन कर दिया गया था और उस टाइम पे ट्वेंटी रखा था एफ को इंश्योरेंस कंपनी में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो ट्वेंटी सिक्स परसेंट हो सकता है फिर धीरे धीरे उस टैप को रिड्यूस किया गया टू ब्रिंग इट डाउन टू सेवेंटी फोर परसेंट धीरे धीरे उसको रिमूव किया जा रहा है एंड प्रेजेंटली जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज है उसमें हंड्रेड परसेंट एफडीआई है मतलब कि अब उसमें कंप्लीटली एफ अलाउ कर दिया गया so, two, है सो टू थ्री एंड फोर ये प्राइवेटाइजेशन और एफ से रिलेटेड है कि पहले तो स्टार्ट ही बहुत लेट में हुआ आप देख रहे हो दो थाउजेंड में स्टार्ट हुआ था कि प्राइवेट प्लेयर्स अलाउ कर सकते हैं या एफ डी आई के कर सकते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कम किया गया पहले फोर्टी नाइन परसेंट फिर सेवेंटी फोर परसेंट अभी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट में कितना है हंड्रेड परसेंट एफ डी आई है जो कि अलाउ कर दिया गया है विद द विदेंट बजट नेक्स्ट द पेनिट्रेशन एंड नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया एट दार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी अब ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है कि मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में कितने इंश्योरेंस कंपनीज प्रेजेंटली हैं या फिर उनके पेनिट्रेशन से रिलेटेड मतलब कि उनकी रीच से रिलेटेड वर स्टैंड अलोन एंड एलेवन वर री इंश्योरेंस ऑफ दिक्कती सेक्टर रिमेनिंग एट वर इन प्राइवेट सेक्टर पेनिट्रेशन की बात की जा रही है पेनिट्रेशन मतलब कितने लोगों ने अवेल हैं फैसिलिटी तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में टू पॉइंट एट टू परसेंट एंड नॉन लाइफ में जीरो पॉइंट नाइन फोर परसेंट तो अगर पेनिट्रेशन की बात करें डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होगा कितने इंश्योरेंस सेक्टर में डेवलपमेंट हुए हैं एंड इंश्योरेंस पेनीट्रेशन होगा कि परसेंटेज़ ऑफ जीडीपी में से कितना है जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम में आ रहा है या फिर रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन कितना है कितने लोगों ने अवेल किए हैं है फेसिलिटीज कोस वन एंड थ्री ओनली इज करेक्ट ये ना इसका ऑपोजिट है सिक्सटी एट इंश्योरेंस में से सिक्सटी पब्लिक सेक्टर में थे और रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर में थे अब ऐसा नहीं होगा जब से प्राइवेटाइजेशन और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई ना तो इसका ऑपोजिट चल रहा है राइट तो इसका ऑपोजिट है जो कि अभी चल रहा है एट वर इन पब्लिक सेक्टर रिमेनिंग सिक्सटी वर इन प्राइवेट सेक्टर बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है इसके अलावा स्पेशलाइज इंश्योरर्स भी हैं ई है, ECGC है एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फिर एल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी है री इंश्योरेंस कंपनी भी है हम लोगों के पास री इंश्योरेंस कंपनीज भी हम लोग के पास ठीक है तो ये पूरा टोटल कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, नेक्स्ट लैंडमार्क रजेशन दैट सेट टोन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया कौन सा लॉ था जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप करने के लिए लैंडमार्क सेट किया था विच वॉज एक्ट नाइनटीन टवेल्व एल आई सी एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू इंश्योरेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी एट जो फर्स्ट फर्टरी मेजर लिया गया था दैट द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन इसको भी आप याद कर लो ये जो फर्स्ट था ये फर्स्ट स्टैटरी मेजर था डी यस करेक्ट जो इंश्योरेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी एट था ये फर्स्ट टाइम था इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से लेजिस्लेशन दिए थे ठीक है इसने बताया था कि किस तरीके से इंश्योरेंस को कंट्रोल करना उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ठीक है चलिए तो ये है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 अब इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट करेक्ट फॉर द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट नहीं है that was amended in the year 1950, 68, 88, 99. for the administration, assurance wing was established and attached first to the ministry of finance, then to the ministry of commerce. the act prohibits any person from offering any rebate of commission and the act prescribes the minimum limit of expenses of management including the commission. कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है हम इसी एक्ट की बात कर रहे थे फोर टाइम्स इस एक्ट को अमेंड किया गया है डी अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया चलिए देखते हैं हाँ तो फोर टाइम उसको अमेंड किया गया तो कौन तो ये तो सही हो गया मतलब वन वाला स्टेटमेंट हम लोग का सही है और 88, 99 में इसको अमेंड किया गया था तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे वन को कैंसिल आउट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था ठीक है अटैच किया गया था मिनिस्ट्री से लेकिन पहले जब इसको अटैच किया गया था तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स था और फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर गया था तो एक तो टू जो हो गया ये हम लोग का रॉन्ग हो गया फिर डार्क प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम ऑफरिंग एनी रिबेट ऑफ कमीशन ये स्टेटमेंट भी जो है ये स्टेटमेंट भी हम लोगों का सही है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ये कि मतलब कोई भी पर्सन है वो रिबेट नहीं दे सकता मतलब कि ये नहीं कर सकता कि uh, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया उसके अलावा भी वो जाके रिबेट ले रहा है तो एनी रिबेट ऑफ कमीशन ऑफर करने का वो अलाउड नहीं है सो so, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया एंड दी एक्ट प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंसिस मिनिमम नहीं वो मैक्सिमम बताता है वो मैक्सिमम लिमिट बता देता है कि इससे ज्यादा कोई भी मैनेजमेंट एक्सपेंसिस है वो इन्वॉल्व नहीं किए जा सकते हैं सो स्टेटमेंट टू एंड फोर आर इन करेक्ट और भी बहुत सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होता है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के अंदर अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड बताया कि ऑडिट किससे होंगे रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज या क्लेम से रिलेटेड ऑडिट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट किसके अंदर कर सकते हैं ये सारी चीजें ठीक है तो ये वाले स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है राइट टू एंड फोर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है हम लोग का LIC एक्ट 1956 उसके क्या प्रोविजंस है LIC एक्ट लेड द बेसिस फॉर क्रिएटिंग द सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज विच एग्जिस्टेड प्रायर टू नेशनलाइजेशन इट वाज वेस्टेड विद एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रांजैक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया टिल 1999 सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट LIC कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट्स इट टू डू बताइए क्या एल एक्ट के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को क्रिएट करने का प्रोविजन आया था या फिर LIC के पास ही एक्सक्लूसिव प्रिविलेज थे कि वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर सकता था टिल 1999 इसके अंदर सेक्शंस हैं दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 37 और सेक्शन 38 तो क्या सेक्शन 37 में ये बोला गया कि LIC को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है बाय एनी कंपनीज आर कॉर्पोरेशन आर किसी के अंदर भी वाइंडिंग अप नहीं हो सकता अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट सेस सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट केवल है जो कि सही है एल आई सी एक्ट में एल आई सी को इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई थी मतलब कि जो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का एक्ट आया था इसके अंदर जितने भी सेवरल इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि नेशनलाइजेशन से पहले थी उसमें से केवल एल आई सी को क्रिएट करने के लिए बात की गई थी ठीक है दूसरी चीज ये नाइन तक यही था जो कि प्रिवेल कर रहा था इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर रहा था फिर जो सेक्शन 37 और 38 की हमने बात की तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि इट कैन नॉट बी वाइंडिंग उसकी वाइंडिंग अप नहीं की जा सकती है तो वो सेक्शन 37 में नहीं सेक्शन 38 में आता है सेक्शन 37 सेवन किस में आता है वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करता है जो भी अश्योर्ड है बोनसेज है एल आई सी पॉलिसी के अंदर ठीक है तो वो सेक्शन थर्टी अलग है वो क्या बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज के बारे में बताता है तो ये वाली चीज सेक्शन थर्टी एट में आती है एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये बोलता है कि कोई भी लॉ कंपनीज एक्ट प्रोविजन एक्ट कोई भी लॉ ये नहीं बोल सकता कि एल को टर्मिनेट किया जा सकता है सो द ओनली स्टेटमेंट दैट इज राइट हेयर इज टू ठीक है एल एक्ट के अंदर एल को ही क्रिएट करने की बात की जाएगी नेक्स्ट What are the objectives of the General Insurance Business Nationalisation Act of 1972 What are the objectives of this act To provide for the acquisition of the shares of the existing general insurance companies to aid assist and advise the companies in the matter of setting up of standards to reduce competition among the companies as far as possible

फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड कीजिए रीड द स्टेटमेंट अगेन फोर्थ स्टेटमेंट को फिर से रीड कीजिए क्या इसका फंक्शन इसलिए है कि इकोनॉमिक वेल्थ को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए कॉमन डेट्रीमेंट डी वन एंड थ्री थर्ड स्टेटमेंट को फिर से रीड कीजिए कंपटीशन को रिड्यूस करने की बात करेंगे क्या वो तो उसकी वजह से क्या करेंगे इंटरेस्ट वगैरह को या फिर जो भी नॉर्म्स हैं उनको ईजी करने की बात होगी जो कंपनीज होंगी वो अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए बेटर चीजें प्रोवाइड करेंगी बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी तो कभी भी कंपटीशन कम करने की बात तो करती ही नहीं है है ना दूसरा फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है कि मतलब मतलब कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ वेल्थ वेल्थ एक ही जगह सारा पैसा इकट्ठा कर दो नहीं ये तो क्या होगा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात करता है ये ठीक है प्रोवाइड फॉर देशन ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ये सही है फिर असिस्ट करने के लिए जन इश्योरेंस में कोर्ड्स ऑफ कंडक्ट क्या होने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए बात होती है कि मतलब कैसे डेवलप करना है हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए इट डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ राइट तो ये सारे स्टेटमेंट्स होंगे वन एंड टू तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे अलग इंफॉर्मेशन नहीं थी ना बस वही था कि स्टेटमेंट को रीड करना है सही में ऐसा कुछ करेगा कि नहीं करेगा चलिए इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इन द मार्केट इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हमारे क्या होते हैं एजेंट एंड ब्रोकर्स उनका क्या रोल होता है सर्व कंपनीज द एजेंट और एजेंट अ ब्रोकर में डील विद मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल बट नॉट बोथ इंश्योरेंस बेसिस एंड एन एजेंट कैन सोलिसिट एंड प्रोक्योर इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू कॉन्टीन्यूस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस कौन से स्टेटमेंट इंश्योरेंस इंटरमीडिएट के लिए सही है बताइए बी वन टू एंड है, ना? सर अ ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, यस, एजेंट क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जो भी पॉलिसीज होती है एक्सप्लेन करने का काम करते हैं करेक्ट इट कैन बी इंडिविजुअल एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट अब द ब्रोकर में डील विद मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस और बोथ भी कर सकता है वो मतलब कोई भी जो डीलर है वो क्या कर सकता है वो बोथ में पार्ट ब्रोकर है ठीक है वो बोथ में वो इंश्योरेंस बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसी एक कंपनी में वो किसी दूसरी कंपनी के लिए भी कवर कर सकता है इंश्योरेंस ब्रोकर्स गिव एडवाइस टू द ब्रोकर फी बेसिस नहीं फी बेसिस नहीं अलाउड होता है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं नो कॉस्ट पे राइट right? और एजेंट की ये सारी एक्टिविटीज होती है तो वन टू एंड फाइव तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए काफी सारे यहाँ पे अमेंडमेंट्स और लॉज आए हैं जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एजेंट में में आया था लाइसेंसिंग के लिए आया था तो वो लोग क्या कोड ऑफ कंडक्ट ये सारे एक्ट करते हैं कि किस तरीके से एजेंट वर्क करेगा ठीक है तो जो ब्रोकर होगा वो एक से ज्यादा कंपनीज के लिए भी काम कर सकता है जनरल और लाइफ दोनों में भी काम कर सकता है चलिए नेक्स्ट What is an e-insurance account? E-insurance account क्या होता है? A policy holder can open an e-insurance account with any five of the repositories approved by IRDA. अब repository क्या होते हैं? पहले तो ये भी काम आ गया कि repository क्या होते हैं? Repository होता है IRDA ने बोला कि एक insurance repository system create किया जाएगा. कौन से year में? In the year 2013. मतलब कि जो भी policies हैं उनको ई पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव करने के लिए सो दैट द इंडिविजुअल कैन सी वॉट एवर पॉलिसीज दे हैव वॉट डीमटीरियलाइज ई पॉलिसी के फॉर्म में वो लोग रहेंगे सारे पॉलिसीज आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो उसमें अ पॉलिसी होल्डर कैन ओपन एन ई इंश्योरेंस अकाउंट विद एनी फाइव ऑफ द रिपोजिटरीज फिर इंश्योरेंस अकाउंट इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स individual who does not have an insurance policy cannot open an e insurance account to convert the existing paper policies into electronic format a service request has to be made to the insurance repository or the insurer कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं अब ये जो फाइव रिपॉजिटरीज की बात हो रही है तो यस फाइव रिपॉजिटरीज हैं जो कि IRDA ने लाइसेंस किए हैं एक तो हम लोग का NSDEL ही हो गया ठीक है, फिर हम लोग का एक सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, फिर एस एच सी आई एल है कारवी है सबसे ज्यादा फेमस जो कि कारवी है हम लोगों का ठीक है एंड कैम्स रिपोजिटरी, ये सारे इसके नाम है कैम्स रिपोजिटरी ए वन टू एंड फोर करेक्ट ई इंश्योरेंस अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरर का काम होगा या का का काम होगा कि वो ओपन करवाएगा एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा लॉग इन आई पासवर्ड प्रोवाइड करेगा उसके साथ में इंश्योरेंस अकाउंट के साथ में ठीक है फिर उसके अलावा ए यस इज करेक्ट इंडिविजुअल जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी उसने अब तक नहीं की है वो भी ओपन कर सकता है उसने पहले से ओपन कर लिया बाद में जब उसने पॉलिसी खरीदी तो फिर वो क्या कर सकता है उसके डी मटेरियलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा और वो उसके में में या फिर अकाउंट जमा हो जाएगा ठीक है कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है सर्विस रिक्वेस्ट भेजनी होती है इंश्योरेंस रिपोजिटेरी या फिर इंश्योर को ठीक है तो ये ई इंश्योरेंस से रिलेटेड है रिपोजिटरी भी हमने देख लिया

फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द इंश्योरेंस दर नॉट इंश्योरेंस बिजनेस के लिए सिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो कि दिए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉम्पनसेशन सब्रोगेशन कॉन्ट्रीब्यूशन लेटेस्ट कॉल्स कौन सा है जो कि नहीं है टू एंड फोर वन एंड फाइव टू एंड फाइव थ्री एंड सिक्स डी डी मतलब थ्री एंड सिक्स करेक्ट थ्री एंड सिक्स नहीं है यहां पे अटमोस्ट गुड फेथ मतलब फुल एंड ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मतलब कि जो भी रिस्क है वो सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताना सारे फैक्ट्स जो किए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बताएगा फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है राइट टू इंश्योर अगेन जो भी इंश्योरेंस जो भी उसे मिलने वाला है जो डैमेज है किसी भी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को अपने जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं है uh, एक और जो प्रिंसिपल यहाँ पे मैंशन नहीं है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं है ना हाँ इनडेमिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी डैमेज या लॉस या सिक्योरिटी है तो वो किसके रिलेटेड है कि जो इंश्योरेंस हैं वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द लॉस तो वो इंडेमनिटी होता है मेकिंग गुड द लॉस फिर सब्रोगेशन यहाँ पे दिया हुआ है सब्रोगेशन किससे रिलेटेड होता है कि मतलब कि राइट ऑफ द इश्यू टू सू दर्ड पार्टी राइट right? तो अगर थर्ड पार्टी को स्यू करना है तो वो वाला राइट right भी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के मतलब कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो एक फेयर वे में अगर एक से ज्यादा जगह से हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो टोटल कॉम्पनसेशन क्या होगा फेयर वे में होगा एंड लेटेस्ट कॉज नहीं होता है प्रोक्सीमेट प्रोक्सीमेट मतलब क्लोजेस्ट इसका क्या मतलब है जो लेटेस्ट कॉज है उसको नहीं देखेंगे बट जो डायरेक्ट या फिर इमीडिएट डोमिनेंट कॉज जो हुआ है क्लोजेस्ट प्रोक्सिमेट कॉज जिसकी वजह से कोई लॉस हुआ है उसको देखा जाएगा ठीक है तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं चलिए नेक्स्ट द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट आर इश्यूड फॉर स्पेसिफिक टर्म्स चोजन बाई द प्रपोजर हु कैन चूज द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी विच में बी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ईयरस तो ये टाइप्स हैं जो कि हम लोग को दिए हैं टर्म इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस इन डोमेंट किस में स्पेशल टर्म्स होते हैं ये हम लोग कि किस के किसके अंदर आ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सी yes, ये इन डोमेंट इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस के टाइप है स्पेशल टर्म तो नहीं है टर्म इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस और इंडोमेंट टर्म किसके लिए होता है लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है इट और उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसमें जब पॉलिसी है वो पेबल कब होगी केवल जब उस टाइम पीरियड में अगर डेथ हो जाती है तो वरना नहीं राइट right? होल लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है वो प्रोटेक्शन इंटायर लाइफ पे करता है अब जरूरी नहीं है वहां पे डेथ वाला क्लॉज हो इंटायर लाइफ पे इंडोमेंट क्या होता है ये फेस अमाउंट पे करने के साथ साथ में कुछ एक फिक्स्ड टर्म ऑफ इयर्स के लिए भी अगर वो सरवाइव कर जाता है तो उसके लिए भी होता है ठीक है तो ये स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो प्रपोजर है वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होगा जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है तो वो इंडोमेंट इंश्योरेंस के अंदर आते हैं ठीक है तो दे नॉट ओनली प्रोमिस टू पे द पॉलिसी फेस एट अमाउंट जो डेट के टाइम पे हो रहा है बल्कि अगर कर दे रहा है उसके टाइम पे भी कुछ ना कुछ अमाउंट है जो कि उसको पे करना है तो वो स्पेशल टर्म्स होते हैं जिनको अग्री किया जाता है तो इंडोमेंट में आते है चलिए अंडर टर्म इंश्योरेंस इट टर्मिनेट्स विद नो मेचोरिटी वैल्यू इशूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट कस्टमरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एटलीस्ट अ सेट नंबर ऑफ इस इनिशियल प्रीमियम रेट्स आर हाई कंपेयर टू अदर लाइफ प्रोडक्ट बिकॉज द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड कौन से स्टेटमेंट हों जो की टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड सही होंगे टू एंड थ्री नहीं वन तो उसकी सबसे बड़ी ही कैरेक्टरिस्टिक है ना इट टर्मिनेट्स विद नो मेच्योरिटी वैल्यू मतलब अगर डेथ नहीं होती है अगर जो टाइम पीरियड के लिए उसको लिया गया है टेन और ट्वेंटी ईयर उसके बीच में डेथ नहीं होती है तो इट टर्मिनेट्स विद नो मेच्योरिटी वैल्यू फेस अमाउंट तभी पेबल होगी अगर उसके रिलेटेड टर्म पीरियड में जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ अगर कर जाती है ठीक है उसके अलावा इंश्योर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड यस ये टाइम ये भी ठीक है मतलब एक सेट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इसको लिया जाता है इट कैन बी टेन और ट्वेंटी ईयर्स या फिर जब तक वो सिक्सटी फाइव सेवेंटी ईयर्स का हो जाता है तब तक के लिए ठीक है दूसरा क्या होता है यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की जा रही है इसका प्रोटेक्शन पीरियड लिमिटेड है इसीलिए जो प्रीमियम रेट्स दीज आर लो initial premium rates are low compared to other life products because the period of production is limited so 1 and 2 केवल 1 एंड 2 होगा तो फिर ये किसके लिए काम होगा क्योंकि प्रीमियम रेट्स यहाँ पे कम है तो जो लो इनकम ग्रुप है जिनकी जरूरत ज्यादा है हाई इंश्योरेंस रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके लिए काम आ सकता है जो लोग मतलब एकदम अपने करियर के थ्रेशोल्ड पे हैं या फिर जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो लोग ले सकते हैं अपने इम्प्लॉज को प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है अब इसमें नेगेटिव्स भी हैं इसके काफी सारे एक तो सबसे बड़ा यही है कि अगर आउट परफॉर्म कर दिया मेचोरिटी के इंश्योरेंस टर्म को तो फिर कुछ भी उसमें पेमेंट नहीं होगा वो पॉलिसी क्या हो जाएगी टर्मिनेट्स विद नो मेचोरिटी राइट तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेक्स्ट होल लाइफ इंश्योरेंस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ओवर लाइफ टाइम वॉट आर द प्रोविजन आर प्रोवाइडेड अंडर इट It provides for the payment of the face amount upon the insurer's death, regardless of when it occurs. Face amount payable under the whole life policies typically remain at the same level. In India, participating and non participating policies known as with profit and without profit. Whole life insurance. Whole life insurance. In kya hota hai? एक और जो एक टर्म यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसीज़ यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी ये भी होल लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही करते हैं सारी स्टेटमेंट सही है ये तो उसका डेफिनेशन ही है इट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द फेस अपॉन द द डेथ डेथ रिगार्डलेस ऑफ व्हेन अकर्स तो इसमें ये नहीं है कि बीस साल के अंदर अगर डेथ होती है तो मिलेगा नहीं होल लाइफ चाहे जब भी डेथ हो तो आपको वो फेस फुल फेस अमाउंट मिलेगा दूसरा इट रिमेन्स द सेम जो भी फेस अमाउंट है जो कि पे किया जाना है वो रिमेन्स द सेम डिफर क्या कर सकते हैं डिविडेंड्स इंक्रीज कर सकते हैं टोटल अमाउंट पे एंड इंडिया में दो चीजें यूज की जाती हैं, या तो विद प्रॉफिट या फिर विदाउट प्रॉफिट होल लाइफ पॉलिसीज होती हैं बाकी सब जगहों पे ही इनको पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है तो फिर होल लाइफ पॉलिसीज पार्टिसिपेटिंग जो होती हैं वो विद प्रॉफिट होती हैं, जो पार्टिसिपेटिंग में आती है वो होती है विद प्रॉफिट ज्यादातर होल लाइफ इंश्योरेंस पार्टिसिपेटिंग ही होती हैं कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होती हैं कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होती है वो विदाउट प्रॉफिट होती है विदाउट नॉन पार्टिसिपेटिंग या फिर विदाउट प्रॉफिट तो ये भी इसके अंदर आता है ठीक मतलब, है मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करे जो भी इंश्योर है अगर उसके पास कोई भी सरप्लस या फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है वो कितना परसेंट करेगा वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है What is the purpose of annuity plans? A retirement provision where the benefit is in the form of regular income or pension. A purchase price for immediate annuity to be paid in lump sum in one installment only. Under deferred annuity policy, the only option is a person pays regular contributions to the insurance company. The fund will accum accumulate with interest and fund will be available on the vesting date. Annuity Plans एनविटी प्लान इनको अलग से पेंशन प्लान्स भी बोला ही जाता है पेंशन प्लान्स भी बोला जाता है रिटायरमेंट प्रोविजन की तरफ वर्क करता है एनविटी प्लान यस yes, क्यों क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं तो अब कोई रेगुलर सैलरी तो है नहीं उनके पास जो प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी होता है वो तो लमसम में पे कर दिया जाता है इसीलिए एनविटी प्लान्स लिए जाते हैं एक रेगुलर इनकम के लिए तो वो एक साथ नहीं मिलता है वो थोड़े थोड़े टाइम पे मिलता है उसके टाइप्स होते हैं एनविटी प्लान के भी टाइप्स होते हैं इमीडिएट एनविटी होता है और डिफर्ड एनुइटी होता है तो क्या इमीडिएट एनविटी के लिए जो परचेज प्राइस होता है वो लमसम में इन वन इंस्टॉलमेंट ओनली पे किया जाता है यस yes, इसीलिए उसको इमीडिएट बोलते हैं डिफर्ड एनविटी में क्या होता है डिफर्ड एनविटी द पर्सन पेज रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंश्योरेंस कंपनी टिल द वेस्टिंग एज ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या था ओनली ऑप्शन तो ये केवल यही एक ऑप्शन नहीं होता है. हम चाहें तो हम एक सिंगल प्रीमियम में भी पे कर सकते हैं हम अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक सिंगल प्रीमियम में भी पे कर सकते तो ये केवल एक ऑप्शन है ओनली ऑप्शन नहीं है एंड वेस्टिंग डेट पे जो भी फंड एक्यूमिलेट किया गया है वो अवेल कर दिया जाएगा तो ये क्या हो गया हम लोग के एनुअल्टी प्लान होते हैं तो कौन से स्टेटमेंट सही हो गए वन टू एंड फोर वन टू एंड फोर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मोटर अब हम लोग इसमें आ गए नॉन लाइफ में आ गए नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बेसिक चीज है कि भाई होम हम लोग की बाकी सारी चीजों में हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है मोटर इंश्योरेंस क्या होता है ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है उसके अलावा प्रॉपर्टी फायर ये सारी चीजें तो मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस कवर लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज वॉल्ट्री फॉर ऑल दी वेहीकल्स

ठीक है देखते हैं तो मोटर इंश्योरेंस यस लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी या स्टैंड रिक्वायरमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या चीजें होती है सिर्फ एक तो हम लोग का जो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी होती है वो तो कवर होती है उसके साथ में अगर डैमेज हो रहा है जिसको ओडी बोला जाता है मतलब कि ओनर्स व्हीकल तो उसको भी कवर किया जाता है ठीक है तो ये तो चलो दोनों सही हो गए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज वॉल्टरी फॉर द्हिकल्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या ये वॉलेंटरी है वॉल्टरी नहीं है मैंडेटरी है इट इज मैंडेटरी मतलब कि ये कवर ये पहले तो कवर क्या करता है जो भी इंजरीज या डैमेजेस हुई है किसी और को जिसके लिए जो इंश्योरेंस कवर जिसने लिया है वो रिस्पॉन्सिबल है तो फिर वो व्हीकल को कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के अंदर कवर करने के लिए करता है मतलब लाइबिलिटी को भी कवर करेगा ओन डैमेज को भी कवर करेगा तो ये क्या हो जाता है ये मैंडेटरी हो जाता है ठीक है और थर्ड इफ अ टेक्स ओनली लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी डैमेज टू हिज और हर व्हीकल विल नॉट बी कवर्ड मतलब उसने केवल लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी लिया है जो दूसरों को डैमेज हो रहा है बस वो कवर करेगा तो फिर उसके खुद को जो वेहीकल और डैमेज है वो कवर नहीं होगा तो कौन से स्टेटमेंट सही हो गए एंड थ्री वन एंड थ्री सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है तो कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या आता है ओडी कवर भी आता है और लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी दोनों आता है और ये मैंडेटरी है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेना क्या है ये मैंडेटरी होगा चलिए वन एंड थ्री नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फायर पॉलिसी अब फायर पॉलिसी के अंदर फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको बोला जाता है कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ है ड्यू टू फायर तो उसमें कुछ इंक्लूजन्स है कुछ एक्सक्लूजन्स है कौन से इंक्लूडेड है लॉस और डैमेज कॉज बाय वॉर एंड वर्ल्ड लाइक ऑपरेशन लॉस और डैमेज ड्यू टू न्यूक्लियल पेरल्स पॉल्यूशन कंटेमिनेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन डाउन बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग लाइटनिंग एक्सप्लोजन मतलब कौन से इवेंट्स में कौन से इवेंट में जो डैमेज कवर है वो फायर पॉलिसी में मिलेगा हमें वॉर एंड वर्ल्ड लाइक ऑपरेशन में मिलेगा या फिर लाइटनिंग एक्सप्लोजन में मिलेगा बताइए देखिए जो भी लॉस या डैमेज हो रहा है जो कि वॉर या वॉर लाइक ऑपरेशन में तो ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं न्यूक्लियर पेरल्स पॉल्यूशन ये भी कंट्रोल में नहीं है सी ओनली थ्री सी एक्चुअली uh, ये भी एक्सक्लूड किया जाता है इंक्लूड की बात हो रही है तो लाइटनिंग एक्सप्लोजन या इंक्लूजन ये इंक्लूड करते हैं बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बैकग्राउंड ये किस में ब्रेकडाउन ये किस में आता है ये एक्सेस में आता है ये किस में आता है ये एक्सेस में आता है तो इससे जो भी वॉल लाइक ऑपरेशन हो गए पॉल्यूशन हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया हाउस ब्रेकिंग ये सब एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ठीक है ये सब exclude कर दिए जाते हैं अब जैसे उन किस में जाता है ये किसके लिए होता है अगर कुछ ऐसा ब्रेक डाउन होता है बर्गलरी होता है तो वो एक अलग चीज आती है राइट right? तो वो डिफरेंस हो जाता है तो ये किसको कवर करते हैं अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है इंक्लूड क्या क्या होता है तो लाइटनिंग एक्सप्लोजन हो गया राइड स्ट्राइक साइक्लोन ये सारी चीजें भी इसके अंदर होती हैं ठीक है तो ये आप एक बार देख लीजिएगा आप एक बार बुक में देख लीजिएगा कि फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या है जो कि कवर होता है और क्या क्या है जो कि कवर नहीं होता है ठीक है कौन से असेट्स uh, हैं जिनको जिनके लिए फायर इंश्योरेंस लिया जा सकता है तो मशीनरी भी हो सकता है शॉप्स हॉस्पिटल्स ऑफिस सारी चीजें फिनिश्ड गुड्स ये सारी चीजें ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना एंड प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना हाँ इन दोनों के बारे में कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर आती है गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है जीवन ज्योति बीमा योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है

बी वन टू एंड फोर देखिए फुल फॉर्म देखिए ये जीवन ज्योति बीमा योजना है अगर वो जीवन से रिलेटेड है तो वो तो लाइफ में आएगा ना और ये सुरक्षा है तो सुरक्षा किसमें आ सकता है वो एक्सीडेंटल में आ सकता है बाकी जो इसका एज ग्रुप दिया है एटीन टू फिफ्टी जो इसका एज ग्रुप दिया है तो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना ये क्या है, है, है ये इंश्योरेंस स्कीम स्कीम है है लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये वाला स्टेटमेंट सही है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम नहीं है ये ठीक है दूसरा जो जीस इसमें दिया हुआ है सुरक्षा बीमा योजना वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है नहीं वो एक्सीडेंटल है लेकिन जो उसका टाइम पीरियड है दैट इज एटीन टू सेवेंटी राइट और दोनों ही दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें आपने ऑटो डेबिट को बोल रखा है कि हाँ ये अलाउड है तो एक्सीडेंट्स के अंदर क्या आता है सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एक्सीडेंट कवर दे रहा है फुल डिसेबिलिटी बता रहा है या लॉस बता रहा है हैंड्स फीट और आईज वो डिसबिलिटी की बात कर रहा है राइट right? तो कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हो गए टू फोर एंड फाइव टू फोर एंड फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक बैंक Yes, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए और आपने कंसेंट दिया है कि वो मैंटरीली जो भी प्रीमियम है वो डिडक्ट करने के लिए आपने अलाउ किया गया है ठीक है तो ये इसका इंपॉर्टेंस है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बैंकोरेंस इन इंडिया आर करेक्ट बैंकोरेंस जब बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इंडिया में इंटरनेशनली फोर मॉडल ऑफ बैंक बैंकोरेंस आर इन वो एंड इंडिया ऑल ऑफ देम बिल्ड और बाय ओन इंश्योरेंस ऑपरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल इन इंडिया एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वुड बी परमिटेड टू अंडरटेक द इंश्योरेंस बिजनेस एज एन एजेंट ऑन अ फी बेसिस विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन रिस्क पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो अलाउड बट दैट वुड बी अ वेंचर कंपनी बैंक लटिसफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी परमिटेड टू सेटअप द ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन तो कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पे जो की करेक्ट है यहाँ पे जो फोर मॉडल्स की बात करी जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में जो फोर मॉडल्स है जो चल रहे हैं तो एक तो कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल है फिर जॉइंट वेंचर मॉडल भी है जो कि यूज किया जाता है बिटवीन अ बैंक एंड एन इंश्योर एंड बिल्ड और बाय ओन इंश्योरेंस ओन इंश्योरेंस कंपनी भी अलाउड है तो इंडिया डज इंडिया फॉलो ऑल ऑफ देम वन टू एंड फोर नहीं एक्चुअली वन नहीं है इंटरनेशनल चार मॉडल्स है लेकिन इंडिया सबको नहीं फॉलो करता है इंडिया किसको फॉलो करता है केवल इन दोनों को या तो कॉर्पोरेट एजेंसी की तरफ वर्क करता है या फिर ज्वाइंट वेंचर्स की तरफ वर्क करता है ज्यादातर ज्यादातर इसी में इंडिया वर्क करता है तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया बाय और बिल्ड ओन इंश्योरेंस कंपनी इज द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल ये भी गलत हो गया बचा क्या थ्री एंड फोर ये दोनों इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर बैंक है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस बस दो ऑप्शन है या तो विदाउट रिस्क करे तो फिर वो आराम से कर सकता है एज एन एजेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑन अ फी बेसिस रिस्क पार्टिसिपेशन के बिना जो भी सब्सिडरीज है वो अंडरटेक कर सकते हैं एजेंसी बिजनेस पे लेकिन अगर उनको रिस्क पार्टिसिपेशन करना है तो उनको जॉइंट वेंचर की तरह करना होगा ठीक है तो वो केवल जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह खुद को स्टैब्लिश करके तब रिस्क पार्टिसिपेशन में कर सकते तो कौन से हमारे पास सही बचे थ्री एंड फोर राइट थ्री एंड फोर इंडिया में अगर बैंक एश्योरेंस की बात करी जा रही है तो फिर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्टैब्लिश किया गया था ठीक है कब स्टैब्लिश किया था इंडिया ने अराउंड टू थाउजेंड एंड वन 2000-2001 के आसपास में बैंक को अलाउ किया था कि वो लोग इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है एलिजिबिलिटी हमने देख ली की कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है राइट right? तो दैट्स इट ठीक है नेक्स्ट पिक आउट द इनकरेक्ट डिटेल्स अबाउट द इंश्योरेंस ओमबर्टमेंट्स स्कीम अब जैसे बैंकिंग ओमबर्टमेंट है वैसे इंश्योरेंस ओमबर्टमेंट भी है किसके लिए डेफिनेटली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर आएगा

एंड दे कैन अवार्ड कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख बताइए कौन से होंगे इंश्योरेंस एम्बर्समेंट स्कीम से रिलेटेड पूछा गया इनकरेक्ट डिटेल्स बतानी है करेक्ट नहीं बतानी है इनकरेक्ट बतानी है पहला तो आरबीआई फ्रेम द इंश्योरेंस रूल्स तो आरबीआई ने नहीं किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम द इंश्योरेंस ठीक है चीज क्या दी हुई है इंश्योरेंस ओम्बर्ट्समैन ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है मतलब एक काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बर्समैन होता है वो सारी वर्किंग देखते हैं फिर ऑपरेट्स विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स अगेन जैसा कि अब एक नेशनल तो है नहीं ये इंश्योरेंस ओम्बर्ट्समैन है तो टेरिटोरियल लिमिट्स पे ही वर्क करेगा वो रहेगा कि कौन से टेरिटरी में कौन सा सान है किसको हमको कॉन्टेक्ट करना है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होम टू बी कॉन्टेक्ट किसको को कंप्लेट लॉन्च करनी है तो उसके ऑफिस जिस भी टेरिटरी में वर्क कर रहा होगा राइट उसकी लिमिट्स प्रॉपरली कौन अप्रोच कर सकता है कोई भी पर्सन जिसको किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर प्रॉब्लम होगी राइट एंड फोर्थ इज हाँ अब ये फिफ्टी लाख नहीं है ये थर्टी लाख होता है ठीक like है ये थर्टी लाख होता है करेक्ट वन एंड फोर इनकरेक्ट पूछा गया था तो हमने वन एंड फोर कर दिया राइट right? कोई फीस नहीं चार्ज होगी टाइम पीरियड क्या होता है मतलब पहली रिकमेंडेशन वन मंथ के बीच में हो जानी चाहिए मतलब हमें जो यूजुअल थर्टी डेज वाला होता है फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन थ्री मंथ्स तो उसको सॉल्व कर ही देना होता है मैक्सिमम लिमिट क्या है जिसमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज रुपीज थर्टी लाख नॉट फिफ्टी लैख वर्टी लाख ठीक है इंडिविजुअल्स कब कंप्लेन लेकर जा सकते हैं अपने इंश्योर या ब्रोकर से रिलेटेड तो विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर राइट तो ये सारी चीजें हैं इसके तो कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए एंड देन लास्ट चैप्टर फॉर टूडे वेंचर कैपिटल मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद द नेम ऑफ वेंचर कैपिटल बिजनेस वेंचर कैपिटल बिजनेस में कौन से इंस्टीट्यूट ने अपना वेंचर कैपिटल स्टैब्लिश किया था रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन सीड कैपिटल स्कीम पैक और टीडीआईसीआई रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन किसका था रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन मैं ईयर बता देती हूँ 1975 में रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन आया था सीड कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो था 1976 में पैक प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी और टी डी आई सी आई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी ये कब आया था ये नाइनटीन एटी एट में आया था तो रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन जो था रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन ये किसका था ये था आई का नाइनटीन सेवेंटी फाइव तो ए का सी वन का सी किस में दिया हुआ है ऑप्शन सी में फिर सीड कैपिटल स्कीम आईडीबीआई का था सीड कैपिटल स्कीम आईडीबीआई का था पैक किसने दिया था पैक हमारा था आईसीआईसीआई का और टीडीआईसीआई भी आईसीआईसीआई ने स्पॉन्सर किया था डेफिनेटली उसने स्पॉन्सर किया था पर फंड करने का भी जो इसमें नाम आता है नहीं, एक दूसरा हो जाएगा टी डी आईसीआई आईसीआईसीआई में आ जाएगा पैक्ट को फंड करने की बात की जा रही है पैक्ट को आईसीआईसीआई ने किया था लेकिन एड किसने किया था यूएसएडी ने राइट right? तो फिर ये सी डी ए बी ये इसका सही हो जाएगा फिर उसके बाद और क्या था एक गवर्नमेंट फंड था जो कि किसने दिया था आई डी बी आई का था गवर्नमेंट फंड आई डी बी आई का था फिर आर सी टी एफ सी रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन आई एफ सी आई को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1988 में ठीक है ये सारी चीजें इसके अंदर है राइट सो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस इसका आंसर कीजिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस द मोस्ट डिस्टिंग फीचर इज दैट इट इज प्रोवाइडेड लार्जली इन फॉर्म ऑफ इक्विटी

बताइए ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा बी करेक्ट वो ओनर की तरफ वर्क नहीं करना चाह रहा है जो वेंचर कैपिटल है वो ओन नहीं करना चाह रहा है डेफिनेटली वो लार्जली किसके फॉर्म में इक्विटी के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब कि क्या कर रहा है अगर जो कंपनी है वो खुद से नहीं कर पा रही है अपने रिफंड कर पा रही है तो वहां पे इक्विटी के फॉर्म में कौन उसकी हेल्प करेगा वेंचर कैपिटल हेल्प करेगा बट दे डू नॉट इंटेंड टू बी द ओनर मतलब वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट uh, नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एडवाइस कर सकता है बट प्रॉपरली डिसीजन नहीं लेता है दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं करना चाहता है मतलब जैसे ही कोई कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा जो वेंचर कैपिटल है वो अपने शेयर्स को वापस ले लेगा एंड दे लर्न द वेंचर कैपिटल इंटेंट टू अर्न लार्जली बाय द वे ऑफ कैपिटल ठीक है क्यों वो जैसे ही प्रॉफिटेबल होगा तो वो इक्विटी को सेल कर देंगे रेगुलर रिटर्न इंटरेस्ट या लोन्स के फॉर्म में नहीं चाह रहे वो कैपिटल गेंस चाह रहे हैं सो दीज आर दैरक्टर सो डू नॉट वॉन्ट टू एक्ट एज द द ओनर ऑफ दाइज तो मतलब कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होंगे डेफिनेटली फॉर हाई प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली जिनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने के लिए खुद के उनके पास नहीं कैपिटल होता है तो उनको वेंचर कैपिटल हेल्प करते हैं राइट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में किया जाता है चलिए नेक्स्ट फंड अंडर स्टार्टअप स्टेज इज प्रोवाइडेड फॉर विच पर्पस अब वेंचर कैपिटल के भी स्टेजेस होते हैं कुछ अर्ली स्टेज के अंदर आता है कुछ लेटर स्टेज के अंदर आता है पहले तो स्टार्टअप स्टेज किसके अंदर आएगा स्टार्टअप स्टेज हमारे अर्ली में आएगा राइट स्टार्टअप स्टेज हम लोग के अर्ली स्टेज के अंदर आता है उसके अलावा अर्ली स्टेज में क्या उन, कौन कौन सा आएगा हम लोग का सीड कैपिटल आता है सीड कैपिटल आता है एंड सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग तो अब बताइए स्टार्टअप में क्या होगा प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बिगनिंग और लॉन्चिंग अ न्यू एक्टिविटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे मस्ट हैव इफेक्टिव डिमांड बिजनेस हैज नॉट येट बिकम प्रॉफिटेबल बताइए स्टार्टअप अर्ली स्टेज में आएगा वो कब फंड प्रोवाइड किया जाता है किस रीजन से प्रोवाइड किया जाता है ए वन टू एंड फोर ठीक है तो मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे में आते हैं सीड कैपिटल में जब हमको देखना है कोई कंपनी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कर रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट करेंगे तो क्या हो सकता है फायदा होगा कि नहीं होगा लेबोरेटरी ट्रायल कर रहे हैं वो लोग एक्चुअली प्रोडक्शन हाई स्केल पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत होता है वो लोग केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट की तरह दूसरा बिजनेस हैज नॉट येट बिकम प्रॉफिटेबल ये प्रोफिटेबल आता है ये सेकेंड राउंड में आता है कि मतलब एक राउंड फाइनेंसिंग दे है काम शुरू हो गया है पर फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ थोड़ा और पैसा लगा देंगे तो हो जाएगा बाकी सारी चीजें जो हैं अब स्क्रीनिंग वगैरह के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है ठीक है उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जब सिलेक्ट हो गया कि ये प्रोडक्ट होगा ये इसके फीचर्स होंगे अब लॉन्च कर दो तो उस टाइम पे तो बिगनिंग ऑफ अ न्यू एक्टिविटी और अब पता चल गया है कि हाँ एक इफेक्टिव डिमांड इसकी होने वाली है मार्केट में पोटेंशियल है इसका मार्केट में सो करेक्ट वन टू एंड फोर ये इसके लिए सही है सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग में आता है जब अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है तो फिर वो एक रिस्की अ, मतलब वो क्या करेंगे थोड़ा लेस रिस्की वेंचर लेंगे ये लेस रिस्की होता है बाकी हम लोग का सीड कैपिटल और जो स्टार्टअप है ये दोनों ही ज्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड राउंड नेक्स्ट विच ऑफ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर स्टेज फाइनेंसिंग अब लेटर स्टेज फाइनेंसिंग के टाइप्स होते हैं एक्सपेंशन फाइनेंस रिप्लेसमेंट फाइनेंस टर्न अराउंड एंड बाय आउट डील्स तो कौन सा है जो कि इसमें से इनकरेक्ट है एक्सपेंशन फाइनेंस में बी नीडेड बाय एन एंटरप्राइज फॉर एडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी रिफ रिप्लेसमेंट वेन द कैपिटल टर्न अराउंड अ कंपनी इज ऑपरेटिंग एट अ लॉस और बाय आउट डील्स वेन वेंचर कैपिटल बाईज द शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो कि इनकरेक्ट है इनकरेक्ट बताइए जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस और बच्चे हैं आपके लिए उनको कवर करना है एक्सपेंशन एज़ द नेम सजेस्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस उसने ऑलरेडी मार्केट शेयर गेन कर लिया है अब वो और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है तो कुछ नया चीज है जो कि ऐड करना चाहेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है कि वो एक नया फॉर्म सब्सिडी सेटअप करना चाह रहा हूँ रिप्लेसमेंट फाइनेंस क्या होता है वेंचर कैपिटल क्या कर रहा है एग्जिस्टिंग सी ओके देखते हैं रिप्लेसमेंट फाइनेंस होता है वेंचर कैपिटल परचेजेज द शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स आर एग्जिस्टिंग उनको रिप्लेस कर रहे हैं जो शेयर होल्डर्स पहले थे उनको रिप्लेस करके खुद ही परचेज कर ले रहे हैं टर्न अराउंड टर्न अराउंड मतलब की एक मेक देना सम वॉट like कि अगर कंपनी लॉस में चली गई है और उसको ठीक करना है तो टर्न अराउंड फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करता है बट फोर्थ क्या दियाम चीज दे दी है सेकेंड वाला वो नहीं है बाय आउट डील्स में क्या होता है दो तरह के शेयर होल्डर्स uh, होते हैं कुछ होते हैं वो पैसेज होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं उनको ज्यादा मतलब नहीं है कंपनी से दूसरे होते हैं एक्टिव तो बाई आउट डील्स में जो एक्टिव वाले शेयर होल्डर्स हैं वो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स ले लेंगे मतलब कि जो एक्टिवली इन्वॉल्व है वो इनएक्टिव या पैसिव शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स को ले लेंगे ठीक है तो जब वो शेयर्स बाय कर रहे हैं तो उनको पैसे चाहिए होंगे उनको पैसे प्रोवाइड करने का काम वेंचर कैपिटल करता है वो एक्टिव शेयर होल्डर्स को खुद से नहीं परचेस कर रहे हैं एक्टिव शेयर होल्डर्स परचेस कर रहे हैं बट उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है राइट right. तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया डील्स में में पैसिव और एक्टिव के बीच एंड है और उसको पैसे प्रोवाइड करने का विंचर का काम वेंचर वेंचर कैपिटल का। कैपिटल का। खुद से कब काउट कर रहा तो in है तो वो रिप्लेसमेंट में हो रहा है वो शेयर होल्डर्स को रिप्लेस कर दे रहा है नेक्स्ट पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो प्रोसेस होता है उससे कुछ स्टेप्स हैं तो वो स्टेप्स बताइए कौन सा क्रोनोलॉजी सही है फर्स्ट स्टेप क्या होगा लास्ट स्टेप क्या होगा ऐसे करके सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए कौन सा आंसर सही होगा बी राइट right. देखिए सबसे पहला तो डील ओरिजिनेशन ही होगा ना डील ओरिजिनेट हो रही है सबसे पहले स्टेप में पता चलेगा कि अच्छा कोई डील है किससे थ्रू हो रहा है मेनली रेफरल के थ्रू जो वेंचर कैपिटल उसको पता चला कि अच्छा ये स्टार्टअप शुरू होने वाला है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में क्या होगा उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो उन सब में से सिलेक्ट करेगा मतलब कि वो देखेगा कि भाई टेक्नोलॉजी कैसी है ज्योग्राफिकल uh, लोकेशन क्या है स्कोप क्या है स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग कौन सा है मिलेगा वो लोगों से फेस टू फेस डिस्कशन करेगा तो सेकंड हो गया स्क्रीनिंग थर्ड होता है हम लोग का इवेलुएशन अब जब उसने सबका प्रोपोजल सुन लिए तो वो इवेल्युएट करता है कंपेयर करता है वो डिटेल सबके देखेगा फिर उसके बाद डील नेगोशिएशन नेगोशिएशन वो क्या करेगा वो बात करेगा कंपनी से कि भाई मैं तुमको इतना इतना पैसे देने वाला वालों ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगे मुझे इतना शेयर मिलेगा मुझे इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फिर हो जाता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करता है कभी कभी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है एंड फाइनली एग्जिट प्लान अगर वो देखता है कि लॉस हो रहा है कंपनी को तो किस तरीके से एग्जिट करेगा आईपीओ के थ्रू करेगा Uh, या फिर वो क्या करेगा कि लिक्विडेशन के थ्रू जाएगा इस तरीके से तो सिक्स फाइव वन फोर थ्री टू ये इसका प्रोसेस है वेंचर कैपिटल उसको या तो ट्रस्ट या कंपनी की तरह सेटअप कर सकते हैं आरबीआई इज एम्पावर टू ग्रांड सर्टिफिकेशन दे कैन रेज मनी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर इंडियन फॉरेन और एनआरआई जो कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में आते हैं क्या वेंचर कैपिटल को ट्रस्ट और कंपनी दोनों की तरह किया जा सकता है या फिर केवल कंपनी की तरह किया जा सकता है आरबीआई देती है सर्टिफिकेशन बताइए ए वन टू एंड थ्री ठीक है पहला स्टेटमेंट इट कैन बी सेटअप आइदर एज अ ट्रस्ट और अ कंपनी तो ये तो ठीक है मतलब कि जो वेंचर कैपिटल है वो ट्रस्ट या कंपनी की तरह एड कर सकता है ठीक है सेकेंड वाला आरबीआई इज एम्पावर्ड टू ग्रांट अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू दंड आरबीआई ग्रांट करता है कि सी भी ग्रांट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड जो होता है वो से भी प्रोवाइड करता है से भी राइट right? वो से भी प्रोवाइड करेगा फिर अवेंचर कैपिटल में रेज मनी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर इंडिया फॉरेन एंड आउटसाइड यस ये भी सही है बट फोर्थ स्टेटमेंट जो है ईच स्कीम लॉन्च और फंड सेटअप ये फाइव क्रोज फाइव क्रोर्स का देता है थ्री क्रोर्स का नहीं देता है ये एक सेकेंड हाँ फाइव क्रोज कर देता है एटलीस्ट फाइव क्रोज राइट थ्री क्रोज नहीं है फाइव क्रोज होगा तो इसमें से सही कौन सा है वन सही हो गया एंड थ्री यहाँ पे है नहीं वन एंड थ्री सही होगा वन एंड थ्री आरबीआई नेम पावर होता है सीबी होता है सीबी इज एम्पावर्ड टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फंड ऑन एन एप्लीकेशन दैट इज मेड टू इट राइट तो इसके अलावा और भी इसके काफी सारे हैं डेफिनेशन क्या है किस तरीके से वर्क करेगा उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी के पास उसको आना होता है उसके भी कंडीशन होते हैं फिर उसके बाद क्या होंगे उसके अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है जो मिनिमम अमाउंट एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर से दैट इज ऑफ रुपीज फाइव लैक्स वो मिनिमम है जो कि एक्सेप्ट किया ही जाता है उससे कम नहीं किया जाएगा ठीक है सो वन एंड थ्री होगा इसका नेक्स्ट विच ऑफ दर एक्सेप्टेड एज मोडर कैपिटल फाइनेंसिंग ऑर्डनरी शेयर्स प्रेफरेंस जो ओवर एंड ओवर है वो तो हम लोग को पता ही है या तो इक्विटी होगा या फिर डेट होगा उसमें ऑर्डनरी शेयर्स प्रेफरेंस कंडीशनल कन्वेंशनल लोन्स कन्वर्टेबल लोन्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मेड पार्टली बाय द वे ऑफ इक्विटी एंड पार्टली इज दैट और इट कैन बी डन आइदर इक्विटी और डेट या तो केवल इक्विटी और डेट में कर सकते हैं या फिर कुछ पार्ट इक्विटी कुछ पार्ट डेट में भी आ सकते हैं इक्विटी हम लोगों के ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं और डेट तो डेट में ही आते हैं मतलब कोई भी रिटर्न इक्विटी शेयर्स की तरह यहाँ पे नहीं होगा तो कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि सही है यहाँ पे विच ऑफ दर एक्स एक्सेप्टेड एज मोड्स एंड ये करेक्ट ये तो है ही ये सारे तो इसमें आते ही है जो आइर और डेट नहीं है पार्टली भी कर सकते हैं कि मतलब की कि कुछ पार्ट डेट से भी हो सकता है कुछ पार्ट इक्विटी से भी हो सकता है ठीक है कंडीशनल लोन जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कन्वर्टेबल लोन जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इक्विटी एट अ लेटर स्टेज ये सब तो हमको पता ही है एट इक्विटी लेटर स्टेज में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल स्पेसिफाइड इंटरेस्ट है रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी ऑर्डिनरी शेयर अगेन जिसमें कोई भी डिविडेंड uh, यहाँ पे अश्योर्ड नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होता है स्पेसिफाइड रेट पे होता है राइट right? एंड उसके अलावा

वो सेल सेल कर सकता है इंटरप्राइज को किसी न्यू वेंचर को भी सेल आउट कर सकता है सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस होता है राइट इन्वेस्टी कंपनी भी खुद को लिक्विडेट कर सकती है सो वेंचर कैपिटल कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट कंपनी बाय सेलिंग द होल्डिंग्स टू एन आउटसाइडर हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दर एंटरप्राइज ये किस में आ जाएगा सेल ऑफ एंटरप्राइज टू एन कंपनी फिर प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी आर गिवन द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय बैक बैक में आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय द प्रोमोटर्स तो क्या उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है इक्विटी अ न्यू वेंचर कैपिटल या फिर डेट फाइनेंसिंग में ये सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है So, यहाँ पे ये जो बी वाला ये गलत है जो प्रोमोटर्स अपॉर्चुनिटी अगर कर हैं कि मतलब जो भी शेयर है वो में दे में दे जो प्रोमोटर्स हैं उस कंपनी के उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है दे कैन बाय बैक राइट अगर ऐसा नहीं होता है वो बाय बैक नहीं करते तब फिर वो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है किसी आउटसाइडर को सेल कर देगा इन्वेस्टिंग कंपनी को या कि फिर कोई नया वेंचर है न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट है वो करना चाहता है तो उसको सेल आउट कर देगा सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस भी होता है या फिर अगर खुद से सेल्फ लिक्विडेटिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग ले सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट बोल रहे है कि नहीं ये टोटल लॉस में जा चुका है इसको रिकवर करने का को कोई तरीका नहीं है तो इसको लिक्विडेट करना ही पड़ेगा सो दीज आर दी एग्जिट रूट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे राइट क्लियर ये वाला क्वेश्चन दिस इज क्लियर ओके देन यस ठीक है तो फिर कोई डाउट कोई क्वेरी अगर नहीं होती तो आज का सेशन एंड करें यस मैम ओके देन थैंक यू फॉर अटेंडिंग गुड नाइट